BBCN News, बात आपकी, खबर हमारी, खबर हमारी। अवैध मीट की दुकानों पर कार्यवाही के अभियान को पुलिस ने हवा में उड़ा दिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अवैध रूप से चल रहे बुचरखाना व मीट शॉप पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन उनके आदेशों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है। सासनी के मोहल्ला कस्सावान में खुलेआम मीट बेचा जा रहा है, ना तो दुकानों पर पर्दे लगे हैं और ना ही काले सीसे। खुलेआम जानवरों का कटान हो रहा है, काट कर बेचा जा रहा है। किसी को ऐतराज नहीं है। नानो रोड पे और कशावन मोहल्ले में या जो कन्यांत कॉलेज स्कूल के लिए जो रास्ता जाता है उस पे भी बेचा जा रहा है। किसका मीट बेच रहे हैं? मुर्गे का काट के बेच रहे हैं सरेआम। कितने लोग हैं? सरेआम को बेच रहे हैं। कितने लोग हैं? आपने 25-30। ये स्कूल जाती हैं? कौन से स्कूल में जाती हैं? कन्यांत कॉलेज में। कैंप पढ़ती हैं? क्या समस्या आपकी जो बता रही थी आप? जब जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, मुर्गे काटते हैं, खून बहते हैं, गंदगी फैलती है, कीड़े मकोड़े आते, सब डर जाते हैं और बुलाते भी हैं, ले लो मुर्गे को। तो ये एक ही रास्ता है? हाँ, एक ही रास्ता, इसी रास्ते पड़ते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो मुर्गे इसी रास्ते पर कटते हैं, मछली भी कटती हैं, गली गली में सुअर भी कटते हैं। कस्बा सासनी के नानो रोड मीट कारोबार, ये मुर्गा हो या बकरे हो या मछली हो, ये खुलेआम ये काटे जा रहे हैं। यहाँ प्रशासन कौन है? सासनी से BBC News के लिए देव प्रकाश।